नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, घर में हर दिन सब्जी बनाने की टेंशन सबको रहती है कि आज क्या बनाया जाए, आज कौन सी सब्जी कौन सी दाल बनाई जाए। और इसीलिए घर के खाने की सीरीज जो हमने बनाई है आपके लिए, उसमें बहुत सारी रेसिपीज बना चुके हैं। आज एक और रेसिपी इसमें जुड़ने जा रही है। जी हाँ, हम आज बनाएंगे गवार की फली। वैसे ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलिए शुरू करते हैं। गवार की एक बहुत ही बढ़िया टेस्टी सब्जी। ये जो गवार की फली है, इस तरह से दिखती है, लंबी होती है, पतली होती है। और ऑब्वियसली फ्रेशनेस चेक करने के लिए एक ही तरीका है कोई भी बीन्स को, कि आप इस तरीके से उसको मोड़ें। जब आप इस तरीके से मोड़ते हैं तो चटक करके टूटनी चाहिए। अब इसका जो ये टॉप पार्ट है वो हमें निकाल लेना है। आप या तो नाइफ से निकाल सकते हैं, टॉप और बॉटम को निकालना बहुत ज़रूरी है। अब गवार की फली जब आप बनाएंगे ना, तो उसे हल्का सा बॉयल ज़रूर करिए नमक के पानी में। क्यों? क्योंकि ये हल्की कड़वी होती है। तो जब हम इसे हल्के से गर्म पानी में एक या दो मिनट उबाल लेते हैं तो उससे सारी की सारी कड़वाहट निकल जाती है। अब एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल लें। देखिए भैया, यूपी बिहार में जनरली घर में सब्जियां कड़वे तेल यानी कि सरसों के तेल में बनाई जाती हैं। अगर आपके घर में सरसों का तेल नहीं यूज़ होता, कोई और तेल यूज़ होता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके घर में कौन सा तेल यूज़ होता है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। हरी मिर्च जो है दो तरीके से डाल रहा हूँ, एक है तीखी वाली और एक है नॉन तीखी वाली, मतलब जिसमें तीखापन नहीं होता। साथ में डाल रहा हूँ मैं चॉप किया हुआ लहसुन। साथ में डाल रहा हूँ मैं ये लाइट ग्रीन वाली हरी मिर्च जिसमें तीखापन बहुत कम है, और साथ में एक छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक। अब इन सारी चीज़ों को हल्का सा भून लिया जाए और फिर हम पकाएंगे प्याज की पेस्ट। अब प्याज जो है आप चॉप भी डाल सकते हैं, पेस्ट इसलिए क्योंकि जो ग्रेवी का फाइनल जो कलर आता है ना, वो बड़ा मज़ेदार आता है। अब इसमें डालेंगे 3 प्याज जिसको हमने पेस्ट बना लिया है। बिना पानी डाले प्याज की पेस्ट बनानी है, मिक्सी में उसे पेस्ट कर लेना है और फिर पेस्ट को अच्छे से पकाना है। अब हर चीज़ में हम चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, घर के सब्जी बनाते हुए घर का स्टाइल इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही काट लो, क्या प्रॉब्लम है, आलू बहुत अच्छा स्वाद देते हैं। अब जैसे ही प्याज थोड़ा सा भुन जाए उसमें कच्चा आलू डाल देंगे। आलू जब हल्का सा भुन जाए फिर उसमें डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले मैं डाल रहा हूं नमक, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो अगर आपने आलू इसमें डालना है तो आलू को ऑलमोस्ट 70-80% कुक होने देंगे। इसके लिए हल्का सा पानी भी डाल देंगे ताकि ग्रेवी जो है वो जले नहीं। तो आप 5-7 मिनट आलू को पकाइए, नाइफ डालिए, देखिए 70% डन हो जाएगा, फिर टमाटर डाल दीजिए। अब टमाटर को भी थोड़ा सा हमें मैशी होने देना है, उसके बाद हम डालेंगे गवार और साथ में डालेंगे थोड़ा सब्जी मसाला। जी हाँ, मज़ेदार लगेगा। जैसे ही टमाटर थोड़ा सा पक जाए उसमें डालेंगे अब ये ब्लांच की हुई गवार की फली, साथ में थोड़ा सा सब्जी मसाला। तो करीबन 1 कटोरी पानी इसमें डाल दिया जाए
आलू अभी भी थोड़े से कच्चे हैं, जब ढकेंगे इसको तो बढ़िया से आलू भी पक जाएंगे, गवार भी पक जाएगा और ये ग्रेवी भी एकदम लटपटी हो जाएगी। अब गवार की फली को थोड़ी देर ढक के पकाना है। चॉइस अगेन आपकी है, आपको ग्रेवी वाली चाहिए कि आपको लटपटी चाहिए या फिर आपको बिल्कुल ड्राई चाहिए। गवार की फली, आलू की सब्जी, लटपटी बिल्कुल तैयार है। साथ में बनाओ गर्मा गर्म गोल गोल फुलके, उस पर डालो हल्का सा घी और फिर उसके साथ खाओ और देखो कितना मज़ा आएगा। चलो फुलके ही बना देते हैं फटाफट। मेरी बात मानो, नाम पे मत जाओ। देखो नाम सुनने से लगता है गवार की फली कौन खाएगा या गवारी सी फली, लेकिन भैया टेस्ट और पौष्टिकता दोनों लाजवाब है और बनाना भी एकदम सिंपल। तो क्यों ना इस हफ्ते घर की सब्जियों के एडिशन में ये वाली सब्जी भी बनाई जाए। तो जब आप कमेंट्स देते हैं ना तो हमें उससे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको और आपके परिवार को ये सब्जी कैसी लगी। सी यू सून विद द नेक्स्ट रेसिपी।